ससुरालियों पर महिला की हत्या कर शव को जलाने का लगाया गया आरोप। रामपुर के महिला दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुरालियों ने महिला की हत्या कर दी। मायके वालों को जानकारी दिए बगैर शव का अंतिम संस्कार करने लगे। जानकारी पर मायके वाले पुलिस लेकर आ गए और जलाकर कब्जे में कर लिया। मायके वालों की शिकायत पर 5 ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जिला बरेली के थाना मीरगंज के दौशास गांव निवासी 21 वर्षीय प्रियंका का विवाह 2 वर्ष पूर्व परम गांव की गोटिया निवासी संजीव कुमार से हुआ था। मृतिका के मायके वालों के अनुसार शादी के समय अपनी हैसियत के मुताबिक दान दहेज देकर ससुराल विदा किया गया था। शादी में मिले दहेज से ससुराल वाले नाखुश थे। आए दिन दहेज में बाइक की मांग को लेकर प्रियंका को प्रताड़ित किया जाता था। मृतिका के भाई जितेंद्र कुमार ने पुलिस को बताया। क्या नाम आपका? नाम जितेंद्र कुमार। आपने अपनी बहन की मौत के संबंध में कोई रिपोर्ट दर्ज कराई? क्या मामला? जी, मेरी बहन को उन्होंने दहेज के लेकर के उनके लिए प्रताड़ित करते थे, मारते थे, और जब मैंने कल साहब बात की थी तो ठीक थे, और जब विवाद सब पता चला कि उसकी मर्डर हो गया, तो मेरे परिजनों को खबर ना देकर उनके पास में उनके पुआ फूफा रहते हैं मेरे गाँव में, वे फरार हो गए थे वहाँ से। तो वहाँ से पता चला कि मेरे परिजनों ने यहाँ आकर के आए वहाँ पर, तो देखा तो अर्ध सब उनके सबको जला दिया था। और जब पुलिस को फ़ोन किया था 800 नंबर को, जब वहाँ पर पहुँचे थे उन्होंने कार्रवाई की थी, तो वहाँ से जाकर आग बुझाई थी पुलिस वालों ने आकर के, और सबको निकाला था। वो आग पूरा आधा सब निकाल लेके आए हैं, उसके लिए कार्रवाई की है यहाँ पर ला के। रिपोर्ट दर्ज कराइए। रिपोर्ट आपने किस नाम दर्ज कराई है? मैं संजीव, राजीव, हेमेंद्र और तीर सिंह, हरप्यारी, लाखन सिंह, इन पांचों को नाम से कर की है। तो आप क्या चाहते हैं? आप कि उससे अच्छी से अच्छी कार्रवाई हो और ज़्यादा से ज़्यादा इनके दंड किया जाए। कोतवाल रवि चौधरी ने बताया। सर, मेला कोतवाल क्षेत्र में एक हत्या का मामला सामने आया। सर, क्या एक सूचना मिली है? मीरगंज क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने सूचना दी है, उसकी बहन की हत्या करके उसको जलाया जा रहा है। तो इस संबंध में परमका गोटिया जो पड़ती है शहजाद नगर, इसके वो रहने वाले थे, और वो 2-3 भाई हैं आपस में, दोनों मजदूरी करने गए हुए थे किच्छा, और किच्छा में ही वो रहते थे कई महीनों से। वहीं उनकी बीच वाले भाई की, संजीव की पत्नी की डेथ हो गई थी, तो उसका दाह संस्कार कराने के लिए यहाँ गांव में लाए थे। परिजनों को ये शक हुआ है, मायके वालों को, कि इन्होंने शायद मार के इसको जलाया है। तो इस संबंध में वो मौके पर पहुँचे और जली लाश को मौके पर कब्जे में पुलिस में लिया गया, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, और उनकी तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया गया है दहेज हत्या का, और सबूत नष्ट करने के बारे में इस संबंध में विवेचना की जा रही है, और किच्छा से भी इस संबंध में जाँच की जाएगी।